सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सुखी जीवन के 8 मंत्र। पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो, मरने से पहले खुलकर जीना सीखो और रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। आज का पंचांग 23 अप्रैल 2020, दिन गुरुवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, सुबह 7:55 तक रहेगी। इसके उपरांत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सम 4:05 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:35 से 3:10 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:34 से 12:25 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मेष राशि पर रहेंगे। मेष राशि 23 अप्रैल 2020, दिन गुरुवार, परिवार के साथ बिताया गया समय अभी आपको खुशी प्रदान करेगा। अपने रूप में बदलाव करके आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं। स्वार्थी होना बुरा नहीं है। जो विचार आपके दिमाग में हैं, उन्हें शेयर करें और उनका समर्थन करें। आज आप उदासीन महसूस करेंगे किंतु यह उदासीनता आपके मार्ग में आने वाली हर समस्या को दूर करने में मदद करेगी। असंभव को संभव बनाने के लिए तैयार हो जाइए। वाहन सावधानी से चलाइए। विचार करने के लिए खूब समय लें किंतु जब काम करने का समय आए तो सोचना बंद करके काम अपने काम में जुट जाएं। अगर आप अपना ज्ञान और अनुभव औरों के साथ बांटेंगे तो निश्चय ही आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। आपको वाद विवादों में सफलता मिलेगी और यदि आप वकालत के पेशे से जुड़े हैं तो अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। आज के दिन आपके लिए बीती बातों से आगे बढ़ने का है। अतीत को छोड़कर वर्तमान और भविष्य पर ध्यान दें। आपको बहुत से नए अवसर मिल रहे हैं जिनसे आपके जीवन में उन्नति होगी और आध्यात्मिक रूप से आपकी वृद्धि होगी। किसी की बात से यदि आप अब भी नाराज हैं तो उस व्यक्ति को माफ करने का प्रयास करें। किसी भी कार्य या रिश्ते में अत्यधिक प्रयास करने की बजाय उसे समय के साथ संभलने का मौका दें। सावधानियां, मतभेद के चलते व्यक्तिगत संबंधों में दरार पड़ सकती है। सकारात्मक विचारों को ही दिमाग में आने दें। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी जो आपके लिए परेशानी का सबब साबित हो सकती है। कई बार ऐसी स्थिति भी आएगी कि आपका कोई काम होते होते अटक सकता है। लव लाइफ की बात करें तो इसका कुछ ताजा और रोचक बनाने के लिए मेकओवर जरूरी है। जीवन साथी के परिवार से आपको कुछ परेशानियां हो सकती है किंतु इन्हें अपने रिश्ते के बीच में न आने दें। बातों को दिल में न रखें। यह काम आपका एक मैसेज भी कर सकता है। एक कहावत है कि क्षमा करो और भूल जाओ। अधिकतर मामलों में यह बात सही है। हालांकि भूल जाना माफ करने से अधिक मुश्किल है किंतु इस तरह से आप अपने प्यार को और भी नजदीक पाएंगे। प्यार क्षमा करने का ही दूसरा नाम है। मूड में बदलाव हो सकता है इसीलिए किसी काम को आज करने से आप बचें। करियर की बात करें तो आज अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य न होने पर आप निराश हो सकते हैं। फिर से शुरुआत करें क्योंकि हार ना मानने वाले की अवश्य जीत होती है। अहंकार को छोड़ रवैये को बदलने के लिए भी यह अच्छे क्षण हैं।
आज आपका पूरा दिन धन से संबंधित है। पैसे कमाने वाली योजनाओं और कार्यों की तरफ आप अधिक आकर्षित होंगी। आपके सितारे भी आज आपको धन और संपत्ति के साथ नवाजने वाले हैं। बस अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। सेहत की बात करें तो आज सेहत को लेकर आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आप कोई भी शारीरिक काम कर सकती हैं जिसे करने में आपको अच्छा लगता है और जिसके बाद आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगी। आज आप पूरे दिन ऊर्जा से भी भरे रहेंगी। आज का उपाय, आज आप चंदन का तिलक लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।